आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम की बात है, ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू, सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा, रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊँगा। चूँकि रमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा, लिहाजा मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतजार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 9:15 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था, लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के चार पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा, ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना फोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहां मुर्दा घर के बाहर सिगरेट मत पीना, अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था।
पर यहां सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वहां वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहां सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया मगर कल से मैं नहीं करूंगा और किसी ना किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा मगर पीछे मुर्दा घर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दा घर के दोनों बगल झांकने लगा, कहीं कोई है तो नहीं। मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ आसपास उस मुर्दा घर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आँख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दा घर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दा घर की तरफ जाने लगा और मुर्दा घर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दा घर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दा घर के अंदर चला गया। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला।
बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं जब नीलगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो मेरा मन जरा भी खुश नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से गांव आना पड़ेगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादाजी का फोन आया था। फोन पर उन्होंने बताया कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये खबर सुनकर मुझे आज 20 सालों के बाद अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद अपने गांव आया था, इसलिए रास्ता पहचानने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और क्योंकि गांव में यहां सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही रहते थे, इसलिए बस स्टॉप पर कोई लेने भी नहीं आ सका। खैर, जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर पहुंचा। लाश के पास दादाजी और आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जिस इलाके में दादाजी का घर था वहां मुश्किल से आसपास 3 या 4 घर ही होंगे। शुरुआत में तो दादाजी ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गए। लाश को आज के आज ही जलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि लाश के अंदर से अभी से ही थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। गांव में ना तो बर्फ का जुगाड़ था और ना ही किसी और चीज का। ऊपर से अब कोई लाश को देखने वाला भी नहीं आने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों से जैसे ही मैंने इस वक्त लाश को शमशान ले जाने की बात कही तो सारे के सारे एकदम से पीछे हट गए। उनका कहना था कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात शमशान में जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी शमशान जाने को राजी नहीं हुआ। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अकेले लाश को शमशान कैसे ले जाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा, अच्छा, आप लोग शमशान नहीं जा सकते ना, पर एक ठेला गाड़ी का तो इंतजाम कर सकते हैं। मेरे इतना कहने पर गांव वालों ने एक ठेले वाले को किसी तरह ज्यादा पैसों का लालच देकर शमशान जाने के लिए हाँ बुलवा दिया। ठेले वाला अपना ठेला लेकर दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर मैंने और 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को ठेले में चढ़ा दिया। लाश का चेहरा अभी भी कफन से ढका हुआ था, क्योंकि मैं एक ही बार शमशान में जाकर ही दादी जी का चेहरा देखने वाला था। लाश को ठेले पर चढ़ाने के बाद जो जगह बची वहां मैं बैठ गया और ठेला गाड़ी शमशान की तरफ चल पड़ी। ठेले वाला सामने की ओर बैठकर तेजी से पैंडल मार रहा था, जैसे उसे शमशान पहुंचने की जल्दी हो। जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, आराम से चलाओ यार, इतनी जल्दी क्या है। इस पर ठेले वाला बोला, साहब रात होने वाली है, जितना जल्दी शमशान जाकर वापस आ जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, आज अमावस की रात है ना। खैर, मैं इन सब तकियानुसी बातों पर विश्वास तो करता नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप ठेले पर ही बैठा रहा। मैंने अपने एक हाथ से लाश के कफन को पकड़कर रखा था ताकि तेज हवा के चलते कफन उड़ ना जाए।
ठेला गाड़ी गांव के उस कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। रास्ता इस कदर खाली था कि अगर उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दोनों बाजू जंगल और एक लंबा चौड़ा रास्ता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें कोई बूढ़ी औरत नजर आने लगी, जो कि हाथ दिखाकर ठेला गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिस पर मैंने ठेले वाले से कहा, रुको रुको, ठेला रोको, शायद इन्हें कोई मदद की जरूरत है। हालांकि ठेले वाला ठेला रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर उसने ठेला रोका। ठेला रोकते ही वो बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे ठेले में चढ़कर बैठी और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस बुढ़िया का चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तभी मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? इस पर बुढ़िया बोली, शमशान जा रही हूँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो ना? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और पूछा, शमशान में इतनी रात गए आपको क्या काम है? इस पर बुढ़िया ने बात को ये कहकर टाल दिया कि कुछ काम है। मुझे भी लगा शायद होगा कोई काम, जिसके बाद मैंने भी और कुछ नहीं बोला। अभी मैं चुपचाप ठेले पर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने अपना आंख मीचने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ लाश के सिर की तरफ कफन से हटाया तो वो कफन हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि मैं कफन को ठीक से पकड़ता, उस बुढ़िया ने ही कफन को एकदम से धर दबोचा और दादी माँ का चेहरा दिखने नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मुझसे बोली, इसको ठीक से पकड़ो, हवा में उड़ जाएगा वरना। पहले उस बुढ़िया का चेहरा, अब आवाज, दोनों ही मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। खैर कुछ ही देर में हम लोग शमशान पहुंच गए। नीलगढ़ गांव के शमशान में ये मेरा पहली बार आना हुआ था। तब रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। मैंने और ठेले वाले ने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तभी मैंने ठेले वाले से कहा, चलो भाई हाथ लगाओ थोड़ा, लाश को अंदर तक ले चलो। इस पर ठेले वाला बोला, देखो साहब मैं अंदर नहीं जाएगा, अपनी यहीं तक बात हुई थी शमशान जाने की, बस इसके अंदर मैं नहीं जाएगा। ठेले वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये नहीं जाएगा शमशान में। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया को कुछ बोलता, उसने झुककर लाश को एक तरफ से पकड़ लिया। मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और लाश को दूसरी तरफ से पकड़कर शमशान के अंदर ले जाने लगा। शमशान पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई इंसान नहीं था। शमशान के अंदर जाकर हमने लाश को जमीन पर रखा और मैं उस बुढ़िया को लाश के पास रखकर लकड़ियां लाने चला गया। शमशान चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए लकड़ी खोजने में मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां लेकर मैं वापस दादी माँ की लाश के पास आया। वो बुढ़िया अभी भी उसी तरह से लाश के पास ही खड़ी थी। खैर मैंने चिता सजाना शुरू किया। चिता सजाने के बाद अब सिर्फ लाश को जलाना ही बाकी रह गया था, इसलिए मैंने सोचा 20 सालों के बाद एक आखिरी बार दादी माँ का चेहरा देख लूं। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ का चेहरा और मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया का चेहरा एक ही था। मतलब ये कि वो बुढ़िया कोई और नहीं
बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि इनका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा था, और 20 सालों में मैं अपनी दादी माँ का चेहरा लगभग लगभग भूल चुका था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने एक नज़र दादी माँ की आत्मा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की आत्मा को देखकर पता नहीं क्यों उस वक्त जहाँ मुझे डर लगना चाहिए था वहीं मेरी आंखों में आंसू थे। किसी तरह से मैंने लाश का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करते ही दादी माँ की आत्मा मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं शमशान से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस दिन के बाद से दादी माँ की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। दादाजी अब मेरे साथ शहर में रहते हैं। आज उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी मुझे दादी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छे से याद है, और शायद मैं अपने जीते जी उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।